नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि ह्यूंडई की i20 उनके कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट में से एक है। अगर आप ह्यूंडई की i20 का पेट्रोल या फिर डीजल में मैनुअल टॉप एंड वेरियंट लेने वाले हैं, जो कि आता है एस्टा ऑप्शनल, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आपको दो सेगमेंट ऊपर टाटा की नेक्सॉन का XM वेरियंट खरीदना चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंफोटेनमेंट, इंस्ट्रूमेंट पैनल, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, सेफ्टी, इन सारी जगहों में इन दोनों गाड़ियों में लगभग बराबर के फीचर्स मिलते हैं। लेकिन मैं आपको i20 के कुछ कुल मिलाकर 13 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो आपको टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। वहीं पर टाटा नेक्सॉन के XM में मैं आपको कुल मिलाकर 17 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो आपको i20 के टॉप एंड वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, जिसके लिए आप i20 को कुर्बान कर दोगे और टाटा नेक्सॉन का XM वेरिएंट खरीदने के लिए मजबूर हो जाओगे। इस वीडियो में दोस्तों जो भी प्राइसेस में कोट करूंगा वो सारे के सारे एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगी। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। यहां पर दोस्तों हम दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग भी कंपेयर करेंगे। टाटा नेक्सॉन का XM वेरिएंट i20 के टॉप एंड वेरिएंट से लगभग 21,000 रुपये से लेकर 46,000 रुपीज तक सस्ता आता है। उसके बावजूद भी बेहतरीन फीचर्स आपको ऑफर करेगा, बेटर बिल्ड क्वालिटी आपको ऑफर करेगा, बेटर कंफर्ट, बेटर राइड एंड हैंडलिंग, बेटर ऑन रोड स्टेबिलिटी, बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर आउटपुट ऑफर करता है। दिस वीडियो इज प्योरली मेड फॉर द पीपल हु वुड लाइक टू रीप आउट द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ दियर हार्ड अर्न मनी विथ मॉडर्न एज अप मार्केट एंड फीचर रिच कार अलॉन्ग विथ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज एंड बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। तो क्या आपको i20 को कुर्बान करके टाटा नेक्सॉन का XM वेरिएंट लेना चाहिए? क्या टाटा नेक्सॉन डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं? क्या टाटा नेक्सॉन एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज के तौर पर मार्केट में उभर कर आती है या नहीं? अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। शुरुआत करते हैं ह्यूंडई एलीट i20 से। इसमें आपको मिलेगा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन विच विल जनरेट 83 PS पावर विथ 115 Nm का टॉर्क। वहीं पर इसमें मिलता है आपको 1.4 लीटर डीजल इंजन विच विल प्रोड्यूस 90 PS पावर विथ 220 Nm का टॉर्क। नेक्सॉन के इंजन्स की जहां तक बात है, इसमें आपको मिलेगा 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विच विल प्रोड्यूस 120 PS पावर विथ 170 Nm का टॉर्क। वहां पर डीजल में आपको मिलेगा 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि 110 PS की पावर निकालेगा एंड 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में। ह्यूंडई एलीट i20 का पेट्रोल एस्टा ऑप्शनल मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट आपको मिलेगा 8,15,993। वहीं पर डीजल में आपको ये वेरिएंट मिलेगा 9,41,000 का। नेक्सॉन की प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो नेक्सॉन का पेट्रोल XM वेरिएंट आपको मिलेगा 7,70,000 रुपीज़ में, जो कि ह्यूंडई i20 के टॉप एंड वेरिएंट से 46,000 रुपीज़ सस्ता है। वहीं नेक्सॉन का डीजल XM वेरिएंट आपको जाएगा 9,20,000 रुपीज़ में, जो कि i20 के डीजल टॉप एंड वेरिएंट से 21,000 रुपीज़ सस्ता है। अब बात करते हैं i20 में मिलने वाले कुल 13 फीचर्स के बारे में जो आपको टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से, जो कि है 16 इंचेस डायमंड कट अलॉय व्हील। दूसरा फीचर है जो आपको नेक्सॉन में नहीं मिलेगा, वो है लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब। तीसरा फीचर दोस्तों जो नेक्सॉन में नहीं मिलता है, वो है फ्रंट आर्म रेस्ट विथ स्टोरेज स्पेस। चौथे फीचर की बात करें तो इसमें आपको रियर आर्म रेस्ट विथ कप होल्डर देखने को मिल जाएगा, जो कि टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलेगा। पांचवा फीचर है दोस्तों 7-inch टच स्क्रीन सिस्टम। छठे फीचर की बात करें तो इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स एंड वॉइस रिकॉग्निशन का फीचर भी आएगा, जो आपको टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। सातवा फीचर है दोस्तों पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन। आठवें फीचर की बात करें तो फुल्ली ऑटोमेटिक एसी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलेगा। नौवां फीचर है दोस्तों पावर स्टीयरिंग विथ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का ऑप्शन। दसवें फीचर की बात करें तो इसमें आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाएंगे। ग्यारहवां फीचर है दोस्तों वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बारहवां फीचर है सेफ्टी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। i20 में आपको देखने को मिल जाती हैं 6 एयरबैग्स, जो कि आपकी सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फीचर इज रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको i20 में मिल जाता है, जो कि नेक्सॉन के XM वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुल मिलाकर 17 ऐसे फीचर्स जो आपको टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट में मिल जाएंगे, लेकिन
i20 के टॉप एंड वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे, जिसके लिए आपको i20 कुर्बान कर देंगे और टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट को खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से, जो है रियर स्पॉयलर विथ LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प, जो आपको i20 में नहीं मिलेगा। दूसरा फीचर है दोस्तों 1 लीटर की बॉटल होल्डर इन ऑल 4 डोर्स। तीसरा फीचर है दोस्तों अम्ब्रेला होल्डर्स इन बोथ फ्रंट डोर्स। चौथा फीचर है दोस्तों टाटा नेक्सॉन में आपको मिलेगी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, जो i20 में देखने को नहीं मिलती है। पांचवा फीचर है दोस्तों 15 लीटर का यूनिकली डिजाइन मल्टी यूटिलिटी कूल ग्लव बॉक्स, जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स, वॉलेट होल्डर एंड विजिटिंग कार्ड या क्रेडिट कार्ड होल्डर का ऑप्शन भी मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर जो है छठा फीचर, टाटा नेक्सॉन में आपको मिलेगा 350 लीटर का बूट स्पेस, वहीं पर i20 में आपको केवल 285 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। सातवां फीचर है दोस्तों कनेक्ट नेक्स्ट म्यूजिक सिस्टम बाय हर्मन कार्डन अलॉन्ग विथ 4 स्पीकर, AM/FM, USB, ऑक्सिन, iPad एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। इसके अलावा इसमें आपको कॉल लॉग एंड कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आपको i20 में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको i20 में नहीं मिलता है लेकिन नेक्सॉन में मिल जाता है या फिर टाटा की लगभग हर एक गाड़ी में आपको ये फीचर मिल जाएगा, वो आठवां फीचर है दोस्तों मल्टी ड्राइव मोड्स। i20 में आपको किसी भी तरीके से कोई भी ड्राइविंग मोड्स नहीं मिलते हैं। नौवा फीचर है दोस्तों i20 में आपको सेफ्टी के तौर पर केवल ड्यूअल एयरबैग एंड ABS मिलता है, जबकि टाटा नेक्सॉन में आपको ABS प्लस EBD मिल जाएगा। दसवां फीचर है दोस्तों नेक्सॉन में आपको ब्रेक डिस्क वाइपिंग का ऑप्शन मिलता है, जो i20 में देखने को नहीं मिलेगा। 11वां फीचर है दोस्तों नेक्सॉन में आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि आपको i20 में नहीं मिलता। 12वां फीचर है दोस्तों जो नेक्सॉन में आपको मिलेगा वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जो i20 में। 13वां फीचर है जो नेक्सॉन आपको ऑफर करती है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि i20 में नहीं है। 14वां फीचर है दोस्तों जो आपको नेक्सॉन में मिल जाएगा लेकिन i20 में नहीं मिलता है, वो है इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट। उसके अलावा 15वां फीचर है हिल होल्ड कंट्रोल। 16वां फीचर है दोस्तों रोल ओवर मिटिगेशन एंड द लास्ट विच इज 17th फीचर बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल NCAP 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया है और जो 17 फीचर्स आपको नेक्सॉन के XM वेरिएंट में मिल जाते हैं, जो आपको i20 के टॉप एंड वेरिएंट में उससे महंगा होने के बावजूद भी नहीं मिलते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि डेफिनेटली अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको i20 का टॉप एंड वेरिएंट लेना चाहिए, तो आपको उसे भूलकर नेक्सॉन का XM वेरिएंट चूज़ करना चाहिए। ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, मॉडर्न एज अप मार्केट फीचर रिच कार और वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनकर उभरती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।